Very good morning, dear students. Today we are covering a very special topic, recursion in C programming. मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं कंप्यूटर साइंस विभाग में लेक्चरर हूँ राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में. तो ये जो टॉपिक है सी भाषा, जो नॉर्मली आपके 210 कोड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 208 कोड विषय में आती है और लगभग हर साल इसके बारे में प्रश्न पूछा जाना संभावित है. और चूंकि इस बार परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हुआ है तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाएगा. रिकर्शन सी भाषा के अंतर इसको हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं. बेसिकली रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ इन अ सिमिलर सेल्फ वे. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इफ अ प्रोग्राम अलाउज टू कॉल अ फंक्शन इन साइड द सेम फंक्शन देन इट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव कॉल ऑफ फंक्शन. अगर हम हिंदी में समझें तो बहुत साधारण शब्दों में जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इस अवस्था को रिकर्शन कहते हैं. तो इसका अर्थ हुआ खुद को कॉल करने का अर्थ है रिपीटिंग द आइटम्स इन सेल्फ सिमिलर वे, खुद के आइटम्स को सेल्फ सिमिलर वे में रिपीट करना. इसका बहुत महत्व है ऐसी भाषा में और खासकर डेटा स्ट्रक्चर्स में. कई चीजों की स्पीड बढ़ाने में यह काम आता है, कई प्रोग्राम्स का साइज कम करने में हमारा रिकर्शन काम आता है. सो बेसिकली द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स रिकर्शन. सी प्रोग्रामिंग जो हमारी है वो रिकर्शन को सपोर्ट करती है, i.e. अ फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ, यह अलाउ करती है कि कोई फंक्शन खुद को कॉल करे. बट व्हाइल यूजिंग रिकर्शन प्रोग्रामर नीड टू बी केयरफुल टू डिफाइन एन एग्जिट कंडीशन फ्रॉम द फंक्शन, अदरवाइज इट विल गो इन टू एन इनफाइनाइट लूप. आप यदि ढंग से देखें तो यदि हम कोई फंक्शन को रिकर्शन के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान से उस फंक्शन का एंड सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा वो फंक्शन इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा और उसका कोई अंत नहीं होगा. आपको प्रोग्राम टर्मिनेट करना पड़ेगा फोर्सफुली. आप यदि देखेंगे तो रिकर्शन फंक्शंस आर वेरी यूजफुल टू सॉल्व मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. रिकर्शन फंक्शन का जैसे मैंने बताया कई गणितीय जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है, सच एज कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, जनरेटिंग द फीबोन की सीरीज. तो विद्यार्थियों कई बार पिछले सालों में प्रश्न पूछा गया है कि प्रोग्राम बनाइए किसी दी गए संख्या का फैक्टोरियल निकालने के हेतु जब उस रिकर्शन द्वारा, और या किसी दी गई लिमिट तक दिए गए पदों तक फीबोन की सीरीज जनरेट करने हेतु कई बार पिछले सालों में फंक पूछा गया है. रिकर्शन द्वारा ये प्रोग्राम बनाने को बोला जाता है और या तो विद्यार्थी उसको साधारण प्रोग्राम की तरह बनाते हैं या फिर बनाते ही नहीं है, दोनों ही अवस्थाओं में उनको नंबर नहीं मिलते. आज हम इन दोनों प्रोग्राम्स फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर और फीबोन की सीरीज, इन दोनों को रिकर्शन द्वारा बनाना सीखेंगे. नीचे एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इस अवस्था को रिकर्शन कहा जाता है. आप देखें मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है void recursion, ये छोटे ब्रैकेट्स दर्शाते हैं कि ये रिकर्शन एक फंक्शन है और इसके अंदर मैंने स्वयं को कॉल किया है, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. अब मैं यदि मेन फंक्शन में पुनः रिकर्शन लिखूंगा तो ये क्या अवस्था होगी, जब मेन के अंदर एंटर होगा और इसे मिलेगा रिकर्शन. अब इस रिकर्शन की परिभाषा में फिर से रिकर्शन है और इस प्रकार से यह रिकर्शन रिकर्शन प्रिंट होता रहेगा. प्रिंट तो क्या मतलब, चलता रहेगा. तो आगे चलते हैं हम, ये सिर्फ एक अवस्था दर्शाएगी कैसे फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो इसको रिकर्शन है. जो फेमस प्रोग्राम्स हमने अभी देखे हैं देखने हैं उनमें आता है फैक्टोरियल और फीबोन की सीरीज. तो सबसे पहले नंबर फैक्टोरियल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन. तो यहां एक प्रोग्राम बना हुआ है. सबसे पहले हमने ऊपर मेन फाइल लिखी हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने एक वेरिएबल फंक्शन डिक्लेयर किया है अनसाइंड लॉन्ग इंट फैक्टोरियल और अनसाइंड इंट i, यानी कि एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है जो मेन से एक संख्या प्राप्त कर रहा है इंटीजर टाइप की और मेन को पुनः लौटा रहा है एक लॉन्ग टाइप की संख्या. ऐसा क्यों है, क्योंकि
जब किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाला जाता है, उदाहरण 5 का, 10 का, 20 का, तो वो तो एक साधारण संख्या है जिसे नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल द्वारा घोषित कर सकते हैं। लेकिन जो उसका फैक्टोरियल निकलेगा, जैसे 5 का फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करेंगे, 4 का फैक्टोरियल, जैसे 4 का फैक्टोरियल 24 है, 5 का फैक्टोरियल 120 है, इसी प्रकार जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसका फैक्टोरियल बहुत अधिक बढ़ता जाएगा। इसलिए फैक्टोरियल के लिए हमने लॉन्ग कीवर्ड यूज किया है। आपने पूर्व में सीखा है कि फैक्टोरियल जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ साथ ब्रैकेट में उसके आर्ग्यूमेंट्स जो वो मेन से प्राप्त कर रहा है और उसके रिटर्न टाइप जो वो मेन को लौटा रहा है, ये भी साथ में डिक्लेयर करते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले दिया है कि इफ आई लेस देन इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, यानी कि यदि कोई संख्या 0 या 1 या 0 से शून्य से कम आती है तब 1 रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा जो फैक्टोरियल संभव है वो 1 है, यहां तक कि शून्य का फैक्टोरियल भी 1 होता है। अगर ऐसा नहीं है तब हम रिटर्न करेंगे, यानी कि माइनस की संख्या हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, वो रिटर्न 1 करेगा। यदि 1 से कोई बड़ी संख्या आती है तब ये जो लाइन है आप पढ़ेंगे, रिटर्न आई मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ब्रैकेट में आई माइनस 1, यानी कि आप जो भी संख्या आई है वो गुणा फैक्टोरियल आई माइनस 1, यानी उस संख्या से एक कम। जब हम नीचे मेन के अंदर कॉल करेंगे इस फंक्शन को तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल में वैल्यू डाली 12, यानी हमें 12 का फैक्टोरियल निकालना है। अब हमें आउटपुट देना है फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी, तो यहां पर आगे लिखा हुआ है आई और फैक्टोरियल आई। तो हम यहां फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मेन के अंदर, तो जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया गया तो यहां से ये फंक्शन अपनी कॉलिंग अवस्था यानी कि इस जगह पहुंच जाएगा जहां आई का मान जो 12 है वो यहां पर कॉपी हो जाएगा। अब हमें पता है कि आई का मान 12 है तो इस इफ के अंदर वो नहीं जाएगा और वो चला जाएगा यहां पर। तो यहां का उत्तर क्या होगा, 12 इंटू फैक्टोरियल 12 का एक कम यानी 11, और फैक्टोरियल 11 जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस फैक्टोरियल नाम के फंक्शन के अंदर फिर से फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, तो फैक्टोरियल 11 जाते ही फिर से घूम कर इसी फंक्शन में आ जाएगा और यहाँ आई का मान होगा 11 है। अंदर आया, चेक किया क्या ये एक से कम या एक के बराबर है, नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले हुआ 12 इंटू 11 है और फिर से हुआ फैक्टोरियल 10, तो 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 फिर से घूम के जाएगा वापस उसी अवस्था में और अब की बार अंदर एंटर होगा, अब की बार होगा फैक्टोरियल 9, यानी कि पूरी लाइन क्या बनी, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और ऐसे घूमता जाएगा। और जब घूम के अंत में आई का मान 1 होगा तब यहां पर ये रिटर्न करेगा 1, अगर इफ आई लेस देन इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। तो पूरी पंक्ति यदि हम एक्सप्रेस करें तो वो बनेगी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अप टू सो ऑन इंटू 1, तो एक तरह से 12 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ और वो यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से नीचे आ रहा है, व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट, जब ऊपर वाले कोड को यदि हम सी कंपाइलर में एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें यह उत्तर प्राप्त होगा कि फैक्टोरियल ऑफ 12 इज 4790016600। तो देखिए संख्या कितनी छोटी है और उसका फैक्टोरियल कितना बड़ा आया है। इसलिए एक संख्या के लिए तो हमने साधारण वेरिएबल लिया इंट आई, लेकिन इसके फैक्टोरियल के लिए हमने वेरिएबल लिया लॉन्ग टाइप का। अब आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा प्रोग्राम परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है फिबोन की सीरीज। सो द फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जाम्पल जनरेट्स द फिबोनाची सीरीज फॉर गिवन नंबर यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्शन के द्वारा फिबोन की सीरीज बनाने का प्रोग्राम, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फिबोन की सीरीज क्या होती है। फिबोन की सीरीज गणित की एक खास सीरीज है जो बेसिकली जिसका प्रत्येक पद पिछले दो पदों का योग होता है। अगर आप गौर से इस सीरीज को देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक खास पैटर्न बन रहा है, हर पद हर टर्म जो है अपने पिछले दो पदों का योग है। पहले शुरू के दो पद हमें प्राप्त होने चाहिए, मान उनके पता होने चाहिए, जैसे शुरू के दो पद हैं 0 और 1, तो अगला पद बना 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13 एंड 13 प्लस 8 21 एंड सो ऑन, ये अनंत तक जा सकती है। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को
रिकर्शन के द्वारा बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है इंट फिबोनाची इंट आई, तो एक फंक्शन डिक्लेयर किया है फिबोनाची नाम का, जो मेन से एक संख्या प्राप्त करेगा इंटीजर टाइप की और पुनः मेन को लौटाएगा इंटीजर। सबसे पहले अंदर आए, जैसे हमें पता है कि शुरू के दो पद 0 और 1 वही रिटर्न होने चाहिए, तो यहां लिखा यदि i का मान 0 है तो रिटर्न 0 कर दीजिए, यदि i का मान 1 है तो रिटर्न 1 कर दीजिए, यदि 0 और 1 के अलावा कुछ है तब ये पंक्ति रिटर्न करनी है। अब ये पंक्ति दर्शाती है रिकर्शन को, क्यों? क्योंकि हमने देखा रिकर्शन का अर्थ है जब कोई फंक्शन खुद को अपने अंदर खुद को कॉल करता है, तो यहां फिबोनाची के अंदर फिबोनाची खुद को कॉल कर रहा है और इससे हमने बेसिकली सीरीज पूरी पैटर्न बनाई है। और यह जो लाइन है लिखा हुआ है फिबोनाची आई माइनस वन प्लस फिबोनाची आई माइनस टू, जैसा हमने सीखा पिछले दो पदों का योग, तो यदि आई का मान 5 है तो यहां क्या जाएगा फिबोनाची आई माइनस वन मतलब 4 और फिबोनाची आई माइनस टू मतलब 3, तो पिछले दो पदों का योग होगा। बड़ा आसान है इसको समझना। अगर हम मेन के अंदर चलेंगे तो यहां पर मैंने एक लूप चलाया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आई और एक लूप चलाया है 0 से लेकर 10 कम तक, यानी 0 से शुरू होगा और चलेगा 9 तक। तो यहां मैंने प्रिंट किया प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश टी बैकस्लैश एन, तो जो भी पद छपेगा उसके बाद अगली लाइन में दूसरा पद छपेगा और यहां मैंने लिखा है फिबोन की आई। तो सबसे पहले ये लूप चलाई बराबर 0 से और यहां फिबोन की में पास हुआ 0, तो फिबोन की 0 जैसे ही पास होगा तो यहां पहुंच जाएगा और यहां पर आई का मान 0 है इसलिए रिटर्न हो जाएगा 0, तो सबसे पहले आउटपुट में छपेगा 0। फिर जब लूप दूसरी बार घूमेगा तो आई का मान होगा 1 और यहां पे फिबोनाची 1 पास होगा और यहां पर रिटर्न हो जाएगा 1। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब जब ये लूप घूमेगा दोबारा और आई का मान हो जाएगा 2, अब यहां जाएगा फिबोनाची 2, तब ये न तो यहां रुकेगा न यहां रुकेगा, अब ये जाएगा यहां पर। तो फिबोनाची 2 का मतलब है यहां पर होगा फिबोनाची आई माइनस वन का मतलब है 1, 2 भेजा है हमने और यहां पर फिबोनाची आई माइनस टू का मतलब है 0, तो फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 0। और यहां देखें फिबोनाची 1 में क्या हो रहा है 0 रिटर्न हो रहा है और फिबोनाची 2 में क्या हो रहा है 1 रिटर्न हो रहा है, तो दोनों का मान हो गया टोटल 1। अगली बार फिबोनाची 3 जाएगा तो 3 जाती क्या होगा फिबोनाची 2 और फिबोनाची 1, तो इस प्रकार से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ये सीरीज छपती रहेगी जब तक पूरे 10 पद नहीं छप जाते। तो ये बड़ा आसान है इस प्रोग्राम को समझना और इसको आप एक दो बार जब समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि रिकर्शन से ये प्रोग्राम बनाना है तब आप इसी प्रोग्राम को बनाएंगे, साधारण प्रोग्राम को नहीं बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हार्दिक आभार।